पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में पास हुए 20 प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। कैबिनेट में आंदोलनकारी 37 आरक्षण बिल को भी मिली है मंजूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं UK 24x7 न्यूज। आज उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 20 प्रस्तावों पर मोहर लगी। कैबिनेट में राज्य आंदोलनकारी 37 आरक्षण बिल को भी मिली है मंजूरी। विधानसभा सत्र में ये विधेयक आएंगे, जो कि 2004 से लागू होगा। आपको बता दें कि शुक्रवार को हुई सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें सबसे अहम फैसला यह लिया गया कि राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण विधेयक पर सरकार ने मोहर लगा दी है। इसके साथ ही राज्य के सरकारी विद्यालयों के लिए अम्ब्रेला एक्ट बनाने और विधेयक को स्वीकृत करने की सरकार ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में राज्य के निजी विद्यालयों के लिए अम्ब्रेला एक्ट के लिए विधेयक को स्वीकृति के साथ राज्य के विद्यार्थियों को 25% प्रवेश एवं शुल्क में छूट देने पर भी मोहर लग गई है। वहीं बैठक में अनुपूरक बजट को भी मंजूरी मिली है। वहीं GST संशोधन विधेयक को भी मिल गई है मंजूरी। देखिए पूरी न्यूज़ प्रदीप भंडारी की UK 24x7 के लिए देहरादून से। लिया गया जो वो सरकारी सेवाओं में या जो हमारे PRD के जवान हैं, जो हमारे विभिन्न बाई स्रोतों से और साथ ही साथ कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, उनके लिए अलग अलग कभी बच्चा गोद लेने की स्थिति में मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है विभिन्न श्रेणियों में। इसके अलावा इस राज्य में जो विधि विषय है लॉ पूर्व में तकनीक शिक्षा मंत्रालय में विभाग में था, और उस समय के बाद उसको सिद्धेव सुमन विश्वविद्यालय के गठन होने के बाद उसको सिद्धेव सुमन विद्यालय के मैंडेट में रख दिया गया, और उस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्टर आया था, क्योंकि सुदेव सुमन विद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर नहीं है, लिहाजा वो लॉ का अफिलियेशन नहीं दे सकता। तो फिर उच्च शिक्षा विभाग का पत्र आया था तकनीक शिक्षा विभाग को कि इसको पुनः आप माधव सिंह भंडारी विश्वविद्यालय के मैंडेट में शामिल कर लें। तो उसके लिए आज कैबिनेट में क्योंकि वो संशोधन होगा, पूर्व में ये तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय में ही था, लेकिन उसके बाद क्योंकि ये चला गया था सिद्धेव में, अब वापस उसमें एक बार फिर अमेंडमेंट विधानसभा में लाएंगे, और उसके बाद फिर लॉ तकनीक शिक्षा विद्यालय के मैंडेट में आ जाएगा, ताकि जो भी नए विद्यालय होंगे उनका एफिलिएशन पहले की तरह तकनीकी विश्वविद्यालय से हो। गाँव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर। आप देख रहे हैं UK 24x7 न्यूज़, खबर वही जो है सच सही।